खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ गया है। कनाडा की तरफ से एक्शन के बाद भारत ने भी जैसे को तैसा जवाब दिया। भारत के एक्शन में आते ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सफाई दी है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा भारत को उकसाना नहीं चाहता, बल्कि नई दिल्ली से अलगाववादी सिख नेता की हत्या को गंभीरता से लेने की गुजारिश कर रहा है। दरअसल ट्रूडो ने सोमवार को संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच संभावित संबंध के पुख्ता आरोप हैं। इसे लेकर कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां पूरी सक्रियता से जांच कर रही हैं। भारतीय अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे कनाडा की सरकार ने निष्कासित कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद भारत ने जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को 19 सितम्बर को निष्कासित करने का ऐलान किया। भारत की सख्ती को देखते हुए कनाडाई पीएम के तेवर नरम पड़ने लगे। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा, भारत सरकार को इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम ऐसा कह रहे हैं, हमारी ओर से उन्हें उकसाने या इसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही। इससे पहले भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को विदेश मंत्रालय ने तलब किया था और सीनियर कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के फैसले के बारे में बताया था। भारत और कनाडा के बीच संबंध कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों के कारण तनावपूर्ण है। भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज कर दिया था कि खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के एजेंट के बीच कोई संबंध है। बता दें कि निज्जर की दो अज्ञात बंदूकधारियों ने बीते 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से तर पीएम मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष ट्रूडो के बीच 10 सितंबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो को कनाडा में बढ़ रहे भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था।